A1 News TV में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए काम की बात। आपने पैन कार्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड में 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। इस नंबर का इस्तेमाल हर तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे कि बैंक में खाता खोलना, टैक्सेबल सैलरी लेनी हो, लोन लेना हो या गहने खरीदने और बेचने हो। इन सभी चीजों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए पैन कार्ड में अकाउंट होल्डर की सभी डिटेल्स मौजूद रहती है। आपके पैन कार्ड का भी हो सकता है गलत इस्तेमाल, जानिए कैसे। अगर आपके पैन कार्ड की डिटेल्स किसी फ्रॉड आदमी के हाथ लग गई हो तो आपके नाम से लिया जा सकता है लोन। यही नहीं, फ्रॉड आदमी आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके वह किसी भी व्यक्ति को लोन में गारंटर बना सकता है। बता दे, आपकी जानकारी के बिना गारंटर बनाना एक तरह से अपराध है, इसलिए जहां भी आप अपना पैन कार्ड इस्तेमाल करें सोच समझ के करें। पैन कार्ड से हुई फ्रॉड ट्रांजैक्शन करा जा सकता है चेक। अगर किसी फ्रॉड व्यक्ति ने आपके पैन कार्ड से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो इसकी डिटेल आपको 26AS फॉर्म में दिखेगी। आप 26AS फॉर्म इनकम टैक्स और ट्रेसेस के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप सभी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। इससे आपको सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शन कहां कहां हुई है यह भी पता चलेगा। पैन कार्ड से किए जा रहे फ्रॉड से बचने का उपाय। पैन कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। यदि आप कहीं पैन कार्ड की हार्ड कॉपी दे रहे हैं तो उस पर यह जरूर लिखें कि आप इसे किस इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, और इसके साथ ही उस पर डेट डालें और साइन भी जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।